हेलो भाइयों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम पर बात करेंगे जो वुमेंस T20 बिग बैश लीग का आज के दिन का मैच होगा, जो खेला जाएगा मेलबर्न स्टार्स वुमेन वर्सेस सिडनी थंडर वुमेन के बीच में। तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा, बस आपको ये वीडियो अंत तक पूरा वॉच करना है। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प पहुँचाएगा। सबसे पहले भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल को जो नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल टीम, पिच रिपोर्ट और ऑफिशियल बैटिंग ऑर्डर मिलने वाला है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे इसी वीडियो के तो जो सबसे पहला कमेंट आपको मिलेगा टॉप पर पिन किया हुआ, उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। बात करेंगे अपन मैच के बारे में। 9:30 बजे मैच स्टार्ट होगा। मैच खेला जाएगा ईस्टर्न ओवर बलरात में। पिच रिपोर्ट की बात करूं तो ये जो विकेट है बैटर्स के लिए तो हेल्पफुल है सही, लेकिन बॉलर्स को भी यहाँ पर बहुत अच्छी मदद मिलती है। एवरेज स्कोर 130-150 बनता है। अब तक यहाँ पर 3 मैचेस हो चुके हैं, एक जीता है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने, 2 मैच चेज हुए हैं। अब जो 3 मैचेस यहाँ पर अब तक हुए ना, उसमें फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट फास्ट को, स्पिनर्स को 13 विकेट है। सेकंड इनिंग में फास्ट को 8 है, स्पिनर्स को 6 विकेट है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो स्पिनर्स को थोड़े से ज़्यादा विकेट यहाँ पर अब तक मिले हैं। इन दोनों टीमों के बीच में 13 मैचेस कंप्लीट हुए हैं, जिसमें से सिडनी थंडर ने 9 जीते हैं और मेलबर्न स्टार्स ने 4 जीते हैं। तो हेड टू हेड में सिडनी थंडर की टीम का पलड़ा भारी रहा है। पहले बात कर लेते हैं मेलबर्न स्टार्स की टीम की। मेलबर्न स्टार्स की टीम ने ना यहाँ पर 5 मैचेस टोटल खेले हैं, जिसमें से एक मैच इनका नो रिजल्ट रहा है और एक मैच जीते हैं और 3 मैच ये हारे हैं। ओपन करेंगे लॉरेन विनफील्ड और जेमेमा रोड्रिग्स। पहले बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर लॉरेन विनफील्ड की। इनके नाम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले में जरूर बड़ी पारी थी लेकिन उसके बाद में 20, फिर 0, फिर 9 बैटिंग, फिर 9, तो थोड़ा सा इनका फॉर्म डिप हुआ है। हेड टू हेड में रिकॉर्ड भी बहुत ख़राब है, सिडनी थंडर के खिलाफ 7 मैच में सिर्फ 54 ही रन है। जेमेमा रोड्रिग्स पहले में 0, फिर बैटिंग नहीं और फिर 8, थोड़ा सा ये भी अभी डिप हुआ है इनका फॉर्म, अदरवाइज़ बहुत बढ़िया फॉर्म में चल रही थी एशिया कप में। हेड टू हेड में 3 मैच में 77 रन है। LIC कैप्सी की बात करूँ तो 5 मैचेस में इनके नाम 2 विकेट्स हैं और बल्ले से यहाँ पर 15-1-11-19 है। ये हर मैच में आपको 2 से 3 ओवर भी डाल के देंगी और 1 डाउन बैटिंग करती है। हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट है। एनाबेल सदरलैंड इनकी तरफ से सबसे तगड़ी ये बंदी खेली है। इनके नाम 5 मैचेस में 8-2 विकेट हैं और 7 विकेट हैं और बल्ले से यहाँ पर 45-8-31-42 नोट आउट है। हेड टू हेड में 10 मैच में 47 रन, 5 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे किम ग्राथ। इनके नाम अगर आप देखोगे 5 मैचेस में 5 विकेट हैं और बल्ले से यहाँ पर 2-18-8-0 हैं। हेड टू हेड में 7 मैच में 12 रन, 10 विकेट है। बढ़िया रिकॉर्ड है इनका सिडनी थंडर के खिलाफ। निकोले फालतुम हेड टू हेड में 11 मैच में 23 रन है। अब तक यहाँ पर 3-24-0-9 बैटिंग, 10 नॉट आउट है। फिर आएंगे ऐसे सशा मोलोनी, ऑफ ब्रेक बॉलर है। 5 मैचेस में इनके नाम 3 विकेट्स हैं और बल्ले से यहाँ पर 1-3-0 की पारी है। हेड टू हेड में 11 मैच में 73 रन, 4 विकेट है। फिर आएंगे ऐसे सोफी रिड, इनके नाम 0-0-12-9 बैटिंग है, उतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं। टेस्ट फ्लिंट टॉप की बात करूँ तो 5 मैचेस में इनके नाम 2 विकेट्स हैं और बल्ले से यहाँ पर 6-3-40 नॉट आउट की, लास्ट मैच में एक पारी भी इन्होंने खेली थी और हेड टू हेड में 8 मैच में 21 रन, 2 विकेट है। रियाज मैकना, इनको 5 मैच में सिर्फ 3 ही ओवर मिले हैं जिसमें 1 विकेट है। हेड टू हेड में 1 मैच में 0 विकेट है। GL की पिक रहेंगी। सोफी डे स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। हेड टू हेड में 6 मैच में सिर्फ 1 ही विकेट है। 1 मैच में जरूर इन्होंने गुच्छे में विकेट निकाले 4, उसके अलावा सिर्फ 1 विकेट है, तो उतना ही कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है ये अभी के लिए। देखो यहाँ से मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, कैप्सी अच्छी प्लेयर है, सदरलैंड अच्छी प्लेयर है, किम ग्राथ अच्छी प्लेयर है। अब आप चाहो तो इन दोनों में से एक को पिक कर सकते हो, लेकिन मैं अभी ट्राई नहीं कर रहा। मैं नीचे से यहाँ पर रखूँगा टेस्ट प्लेन टॉप को, सिर्फ 4 ही प्लेयर मैं इनके रख रहा हूँ। बाकी बेंच पर इनके जो भी प्लेयर्स हैं, इनमें से कोई खेलता है उसके स्टैट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग के ओर डालेंगे किम ग्राथ, सशा मोलोनी, टेस्ट फ्लिन टॉप। डेथ के ओर डालती है एनाबेल सदरलैंड, सोफी डे, सशा मोलोनी और टेस्ट फ्लिन टॉप। बात करूंगा दूसरी टीम यानी कि सिडनी थंडर की टीम की। सिडनी थंडर की टीम भी यहाँ पर 6 मैच खेली है, यहाँ पर सिर्फ 1 जीती है, 1 मैच नो रिजल्ट रहा है और 4 मैच हारी हैं। इनकी तरफ से ओपन करेंगे टेमी ब्यूमांट और फॉयबे लिचपेल्ट। टेमी ब्यूमांट ने सिर्फ 1 अच्छी पारी खेली है, 77 नॉट आउट की, उसके अलावा आप देख लो 4-1-4-0-5, बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि हेड टू हेड में रिकॉर्ड ठीक ठाक है, 10 मैच 179 रन।
फोइबे लिचपिल्ट बहुत बढ़िया फॉर्म में है, 25, 28, 50, 50 की चार अच्छी पारी खेल चुकी हैं। हेड टू हेड में 7 मैच में 149 रन है। एमी जोन्स की बात करूँ तो पहले में 0 है, लेकिन उसके बाद में 18, 44 नो डाउट और 24 हैं। हेड टू हेड में 6 मैच में 147 हैं, बढ़िया फॉर्म में अब लग रही हैं, इंपॉर्टेंट है। रेचल हयानस की बात करूँ तो 5, 2, 16, 28 नो बैटिंग 38 हैं, टीम की कप्तान भी हैं। हेड टू हेड में रिकॉर्ड भी तगड़ा है, 14 में 367 का एवरेज है। ताइलिया विल्सन 26, 28, 3 नो बैटिंग 6 है, हेड टू हेड में 6 मैच में 53 रन है। ओलिविया पोर्टर हेड टू हेड में 1 मैच में डिड नॉट बैट है और अब तक 4 मैच खेलिए, 2 ओवर है, विकेट कोई नहीं है, बल्ले से 17 ओवर 17 है। जीएल की रिस्की टीम में आप चाहो तो रख सकते हो। सेमी जो जॉनसन की बात करूँ तो 6 मैचेस में इनके नाम आप देख लो, टोटल यहाँ पर 7 विकेट्स हैं और बल्ले से यहाँ पर 1, 8, 7, 1 नो बैटिंग और 0 है। हेड टू हेड में 15 मैच में 54 रन, 11 विकेट है। ली तहू की बात करूं तो यहाँ पर 6 मैचेस में इसके नाम टोटल 4 विकेट है, हेड टू हेड में 10 मैच में 6 विकेट है, मीडियम फास्ट बॉलर है। लॉरेंस स्मिथ के नाम यहाँ पर 6 मैचेस में 7 विकेट है, हेड टू हेड में 15 मैच में 8 रन, 5 विकेट है। इसने भी 1 मैच में 5 विकेट निकाले, उसके अलावा कोई खास परफॉर्मेंस इसका भी नहीं रहा। समंता बैट्स एक कंसिस्टेंट प्ले मेरे को लगती हैं, हालांकि 6 मैच में इनके नाम विकेट 4 है, लेकिन हेड टू हेड में 13 मैच में 9 विकेट है। और बलिंदा वक्रीवा की बात करूं तो 6 मैचेस में अब तक तो विकेट लेस है, और हालांकि बॉलर अच्छी है, 11 मैच में 11 विकेट है हेड टू हेड में, लेकिन ये सीज़न इनका उतना अच्छा रहा नहीं है। यहाँ से मैं रख रहा हूँ अभी फोइबे लिचपिल्ट, जॉन्स, हयानस या फिर ब्योमंट, दोनों में से किसी एक को रख लो। नीचे से सेमी जो जॉनसन को रख रहा हूँ, तहू को रख रहा हूँ, लॉरेंस स्मिथ और समंता बैट्स को रखूँगा, क्योंकि मैं सिडनी थंडर के फेवर में टीम बनाऊँगा। बेंच पर जो भी प्लेयर हैं इनमें से कोई खेलता है उसके स्टैट्स मिल जाएंगे। यहाँ से स्टार्टिंग के ओवर डालेंगे तहू, सेमी जो जॉनसन, समंता बैट्स, बलिंदा वक्रीवा। डेथ के ओवर डालेंगे सेमी जो जॉनसन, समंता बैट्स और ली तहू। एनालिसिस वाला जो पार्ट है इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट, चलेंगे डेमो टीम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो, चलते हैं डेमो टीम की तरफ। बात करें डेमो टीम की तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से एमी जोन्स को रखा है, और बैटिंग सेक्शन से रेचल हयानस, फोइबे लिचपिल्ट, कैप्सी को रखा है। ऑलराउंडर सेक्शन से सेमी जो जॉनसन, एनाबेल सदरलैंड और किम ग्राथ को रखा है, और बॉलिंग सेक्शन से समंता बेट्स, लॉरेंस स्मिथ, तहू और टेस फ्लिंटॉप को रखा हुआ है। कैप्टन मेरी एनाबेल सदरलैंड है, वाइस कैप्टन सेमी जो जॉनसन है, आप चाहो तो वाइस कैप्टन किम ग्राथ को भी बना सकते हो, लेकिन अभी के लिए मेरी टीम यही रहेगी। लेकिन ये फाइनल टीम बिल्कुल भी नहीं है, फाइनल टीम आपको जो भी होगी आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।